फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक पैसेंजर्स के द्वारा कोर्ट में केस करने पर जेट एयरवेज और एयरपोर्ट अथॉरिटी को 25,000 रुपये हर्जाने के रूप में वापस करने का आदेश मिला है। क्या था ये पूरा मामला, आप आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, ये बात आज से 6 साल पहले की है, जब चेन्नई से जेट की एक फ़्लाइट पुणे के लिए 1 अप्रैल 2013 को सुबह के 5:35 पर उड़ान भरने वाली थी और उस फ्लाइट में 3 और पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले थे, जिन्होंने अपने टिकट की बुकिंग डेकन एयर सर्विस से 3,312 रुपये में 3 टिकट बुक करा रखी थी। वह फ्लाइट लेने के लिए समय से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे और उनका 4:40 पर बोर्डिंग पास भी इशू हो गया था और वह तीनों पैसेंजर्स फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर ही वेट कर रहे थे। काफ़ी समय तक कोई भी अनाउंसमेंट ना होने पर उन्होंने जब फ्लाइट का स्टेटस जानना चाहा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको ये बोला कि फ्लाइट पहले ही चेन्नई से उड़ान भर चुकी है। इस घटना के होने के बाद इन तीनों पैसेंजर्स ने जेट एयरवेज, डेकन एयर सर्विस और एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दाखिल किया और ये केस सिविल कोर्ट में तकरीबन 6 साल तक चलता रहा और अब जाकर इसके ऊपर सुनवाई हुई है, जिसमें कि इन तीनों पैसेंजर्स के टिकट की राशि के रिफंड करने के साथ साथ 15,000 रुपये हर्जाने के रूप में भी देने के लिए कोर्ट ने जेट एयरवेज को बोला है। फ्रेंड्स, ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि जेट एयरवेज के बंद होने के बाद इन तीनों पैसेंजर्स को उनके रिफंड की राशि कैसे वापस मिलेगी। अब बात करते हैं आपके रिफंड के बारे में। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग चैनल पर कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि उनको जेट एयरवेज से उनका रिफंड कब मिलेगा, तो आपको बता दें कि जेट का केस अभी एनसीएलटी में चल रहा है और जेट का रिजोल्यूशन होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। यदि जेट को कोई अन्य एयरलाइन कंपनी ले लेती है तो वह कंपनी आपके रिफंड की राशि वापस करेगी और यदि जेट एयरवेज को कोई भी कंपनी नहीं लेती है और जेट एयरवेज लिक्विडेट हो जाती है तो इस केस में एनसीएलटी आपके टिकट के पैसे को वापस करेगी। फ्रेंड्स, इसमें एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि आप अपने रिफंड से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हैं, जहां से आपने अपना टिकट बुक कराया था। और यदि आपने अपना टिकट डायरेक्टली जेट एयरवेज की साइट से बुक किया था तो आप जेट एयरवेज के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।